स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। मैट्रिक का एग्जाम होने के बाद सभी छात्र छात्राओं के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। फाइनली एक न्यूज में बताया था कि 14 अप्रैल के बाद जो है मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फाइनली आज जो है 16 अप्रैल हो चुका है और आज भी एक न्यूज आई है बिहार बोर्ड की तरफ से, साफ साफ बता दिया है कि इस महीने में भी आपको मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। इस तरह की मैट्रिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल पे नीचे दिए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी पल पल की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का न्यूज। देख पा रहे बिहार बोर्ड की ओर से साफ साफ न्यूज जारी कर दिया और यहाँ पे साफ शब्दों में बता दिया कि मैट्रिक की कॉपियों की जो जांच है अब 3 तक नहीं होगी। जब आपका कॉपी का जांच ही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कहाँ से घोषित किया जाएगा। इस तरीके से न्यूज है वो दी गई और यहाँ पे बताया गया कि पटना से आई है, राज्य में मैट्रिक की परीक्षा की कॉपियों की जाँच जो है 3 मई, देख पा रहे 3 मई तक स्थगित हो गई है। जो वायरस आई है उनके कारण जो महामारी फैली है उनको बचाव को लेकर के 3 मई तक लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर कॉपियों की जांच स्थगित की गई है। विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बुधवार को बताया कि जो महामारी बीमारी जो फैली उनके कारण और लॉकडाउन के स्थिति से समिति द्वारा इस तरीके से बताई गई, समिति के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूज में देखने को मिले। चले हम आपको दिखाते हैं और भी न्यूज और उनके ट्वीट के बारे में भी आपको बताते हैं। देख पा रहे इस न्यूज में भी वही बातें दी गई, यहाँ पे बताया गया कि मैट्रिक मूल्यांकन 3 मई तक स्थगित, वही बातें दी गई। मैं आपको दूसरी न्यूज दिखा पा रहा हूँ, चलिए मैं आपको ट्वीट दिखाते हैं। बिहार बोर्ड ने भी ट्वीट करके साफ साफ कह दिया है कि इस महीने में भी आपको रिजल्ट जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। देख पा रहे बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल आईडी से उन्होंने अनाउंस करके साफ साफ बता दिया है ट्वीट करके। देख पा रहे श्री आनंद किशोर, ये इनका ऑफिशियल है, ठीक है, श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज बताया कि जो बीमारी जो फैली है महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में सहमति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 3 मई 2020 तक स्थगित का निर्णय लिया गया है। देख पर इस तरीके से ट्वीट करके साफ साफ अनाउंस करके बता दिया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि अब जो है इस महीने में भी आपको जो है रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। पिछले न्यूज में बताया गया था कि 14 अप्रैल के बाद जो है बिहार बोर्ड ने खुद बताया था, यानी आनंद किशोर ने, कि रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनली जो है आज बता दिया है कि रिजल्ट अब जारी नहीं होने वाली है, आपको 1 महीने का और वेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से एक न्यूज में बता रही थी, इस तरीके से आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो रिजल्ट को लेकर के आई हुई थी। आई होप वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी पल पल की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो चलिए आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।